हैं, ध्यान से पढ़ेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। सब अपनी नोटबुक पेंसिल लेके रेडी हो जाएं, जो भी हार्ड वर्ड्स है वो आप पॉज करके बाद में लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कविता आप सभी को याद करनी है और बिना देखे सुनाना है, अपने दोस्तों को, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, सभी को। थोड़ा टाइम लगेगा, 5-6 टाइम्स इसको बार बार रीड करने से आप सभी को याद हो जाएगा। ये कुछ मेरे बारे में है, आप सभी को पता होगा। जो नए आए हैं इस वीडियो में वो जान लें। बहुत अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है, चीज़ें लर्न करनी है और बाकी लोगों के साथ इसे शेयर भी करना है। पार्ट 6, छुक छुक गाड़ी। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल, धक धक धू 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 धू, भग 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 भग, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी, करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। इसमें क्या बोल रहा है कवि, जो जिसने कविता लिखी है, कह रहा है कि भाई जल्दी से हट जाओ, उसकी रेल छूटने वाली है, वो लेट आया है प्लेटफॉर्म पे, और वो सब साइड हट जाओ, नहीं तो भाग भाग के ट्रेन पकड़ रहा है, कहीं किसी को धक्का न लग जाए, कहीं कोई गिर न जाए, तो बाद में इसको कोई ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ये तो जल्दबाजी में है और इसकी रेल जो है वो छूटती जा रही है। हम फिर से देखेंगे पार्ट 6, छुक छुक गाड़ी। ई छोटी ई र, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल, धक 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 भू धू 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 धू, भग 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 भग, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करती ठेलम ठेल, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई वीटी से वीटी, करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। मतलब जो भी कोच है, बुगी एक दूसरे से जुटी हुई है, ट्रेन चुक चुक करके आगे बढ़ती जा रही है प्लेटफॉर्म से, और इसकी ट्रेन छूट ना जाए इसलिए ये सभी को प्लेटफॉर्म से हटाता जा रहा है। अभी आप बताइए, क्या अगर प्लेटफॉर्म में लेट पहुंचना अच्छी बात है रेलवे स्टेशन पे? नहीं, बहुत ही गलत बात है। हमें टाइम पे रेलवे स्टेशन पे पहुंचना चाहिए और चलती हुई ट्रेन पे, चलती हुई बस में हमें कभी नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो चोट भी लग सकती है। ये है हमारे गार्ड, जो कि झंडा दिखाते हैं, सीटी बजाते हैं, तब ट्रेन आगे चलती है। आजकल लेडीज़ भी रेल गार्ड में आ रही हैं। ये है टीटी, जो कि टिकट चेक करते हैं ट्रेन के अंदर भी और रेलवे स्टेशन पे भी। तो अगर हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में, तो हमें टिकट लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो फाइन देना पड़ता है।
ये चलते हुए ट्रेन के पीछे भागना गलत चीज़ है। हमें टाइम से पहले ही रेलवे स्टेशन पे आ जाना चाहिए। जब हमारी ट्रेन आ जाए, रुक जाए, तभी हमें उसमें बैठना चाहिए। इस तरीके से चलती हुई ट्रेन में बैठना चोट लग सकती है और ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान से ट्रेन में बैठना चाहिए। अगर ट्रेन चलती हुई ट्रेन में ऐसे जाते हैं तो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और हमें अपने बड़ों को भी सिखाना चाहिए कि जब ट्रेन रुके तभी ट्रेन में बैठें। फिर हमें क्या करना चाहिए? एक सही तरीका क्या है? हमें टाइम पे रेलवे स्टेशन पे आ जाना चाहिए। जब ट्रेन लग जाए तो हमें लाइन में खड़ा होना चाहिए, अपने चांस का वेट करना चाहिए। धक्कम धुक्की नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपना प्लेटफॉर्म हमेशा क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो मक्खी मच्छर आते हैं। अगर वो जगह क्लीन रहेगी तो बीमारी भी नहीं फैलेगी और हमें अच्छा भी लगेगा। हमेशा डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो हमें डस्टबिन में ही डालनी चाहिए। उसके बाद हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे हाथ में जर्म्स हैं वो हट जाएं। हम फिर से ये कविता पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। पाठ 6, छोटी ई र छूटी मेरी रेल रे बाबू छूटी मेरी रेल। हट जाओ भैया मैं ना जानू फिर कुछ भैया टकरा जाए रेल। धक 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 धू 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 भग 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 भू 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 छक 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 छू 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 करती आई रेल। इंजन इसका भारी भरकम बढ़ता जाता गम 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 धम 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 करतम ठेलम ठेल करता ठेलम ठेल। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी टिकट देखता फिरता टीटी। सटी हुई वीटी से वीटी करती पेलम पेल छूटी मेरी रेल। इतने सारे रंग पिछले पन्नों में, इन रंगों को ढूंढो, इन रंगों वाली चीज़ों के चित्र बनाओ। इतने सारे बिखरे रंग तुम्हें चाहिए कौन सा रंग? मुझे चाहिए लाल, मुझे चाहिए हरा रंग, मुझे चाहिए पीला रंग, मुझे चाहिए काला रंग, मुझे चाहिए सारे रंग। नाम बताओ। आपको ये पिक्चर देखनी, चित्र देखने और इसके नाम लिखने हैं। तो नाम क्या है इसके? झंडा, रेल, टीटी, रेल का डिब्बा और पटरी। इसको आप कविता में देख के पूरा लिखेंगे। छूटी मेरी रेल रे बाबू छूटी मेरी रेल। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी टिकट देखता फिरता टीटी। इस तरीके से आपको ये कविता पूरी देख के लिखनी है। हर डिब्बे पर उसके रंग वाली किसी चीज़ का नाम लिखो। तो आपको इनमें सबके नाम लिखने हैं। हम यहाँ पे प्याज लिख सकते हैं, यहाँ पे मटर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बैंगन बना सकते हैं, यहाँ पे हम आम का चित्र बना सकते हैं, यहाँ हम लाल मिर्ची लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम काले बादल बना सकते हैं रात के।
आप ये चित्र देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या दिख रहा है? इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये रसोई घर का चित्र है, जिसमें कि एक डिब्बा रखा हुआ है, ऊपर मटका है, शायद उसमें दूध होगा, फिर ये लालटेन है। पहले के समय में रोशनी नहीं होती थी तो लालटेन में दिखाया जाता था। एक महिला है जो खाना बना रही है, मटके हैं, बर्तन, गिलास, अचार का डिब्बा, यहाँ पे पूरी तलने वाला चिमटा, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? ध्यान से हम देखेंगे। यहाँ हमें खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दे रही है जो कि पेड़ पे बैठी है। सब्जियों का एक टोकरी है। एक बच्चा है जो चावल साफ कर रहा है। एक दादी माँ है जो या तो चित्र देख रही है किसी को। चित्र में किसी को देख रही है। वहाँ पे चूल्हा है, जाली है, अलमारी जैसा, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ कपड़े हैं जो ऊपर टंगे हैं खूंटी पे। ये हमने चित्र देख लिया। कुछ गिलास है, प्लेट है जो कि यहाँ पे गिरा है। यहाँ पे बकेट है, बाल्टी जिसमें कि मग है, पानी है शायद थोड़ा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू। आप सारे लोग अच्छे से याद करेंगे कविता और इसके न्यू वर्ड्स भी, और आप इसे लिखेंगे भी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद।